चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुबरनेटिस का अगला टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो को रिवाइज कर देता हूँ। तो लास्ट वाले वीडियो में दोस्तों हमने क्या किया था, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडस्ट्री के अंदर आपका जो भी कुबरनेटिस क्लस्टर होता है, चाहे वो क्लस्टर ऑन प्रमाइसिस में हो, चाहे AWS में हो, चाहे कहीं पर भी हो, कभी भी हम क्लस्टर के अंदर डायरेक्टली मास्टरनोड को लॉग इन करके काम नहीं करेंगे। ठीक है, हमने ये भी बात किया था कि फिर काम कैसे करेंगे, मास्टरनोड पे लॉगिन नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपने पर्सनल लैपटॉप में बैठकर मास्टरनोड के अंदर एक admin.conf फाइल होती है ATC Kubernetes के अंदर, उस फाइल को हम लोग अपने पर्सनल लैपटॉप में लेके आ जाते हैं और क्यूब सीटीएल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं और अपने प्रोफाइल के अंदर डॉट क्यूब नाम का फोल्डर बनाते हैं और इस फाइल को यहाँ पर कॉन्फिग नाम से रीनेम कर लेते हैं और फिर यहाँ से बैठ के क्लस्टर के सारे ऑपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, तो वहां पर मेरा जो लैपटॉप था उसमें विंडो 10 पड़ा हुआ था, है ना। तो विंडो 10 का प्रोसेस मैंने आपको करके दिखा दिया कि अगर आपके पास विंडो कंपनी ने लैपटॉप दिया और विंडो 10 है और आपसे कहा जाए कि अपने लैपटॉप से बैठकर ही आप क्लस्टर के ऊपर ऑपरेशन वर्क करें, तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से क्यूब सीटीएल को डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से सी ड्राइव के अंदर यूजर प्रोफाइल के अंदर जाके डॉट क्यूब नाम का हिडन फोल्डर बनाइए और उसके अंदर क्लस्टर के मास्टर नोड से ATC के अंदर कुबरनेटिस फोल्डर के अंदर admin.conf फाइल को लेके आइए और डॉट क्यूब के अंदर कॉपी कर लीजिए और उसको रीनेम कर लीजिए कॉन्फिग नाम से और फिर आप अपने लैपटॉप से बैठ के सारे ऑपरेशन पर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने आपको विंडोज का लैपटॉप नहीं दिया, आपकी कंपनी ने आपको उबंटू का लैपटॉप दे दिया लीजिए, या आपकी कंपनी ने आपको मैक का लैपटॉप दिया, या आपकी कंपनी ने आपको लिनक्स फ्लेवर कोई भी डाल के दे दिया, तो अब आपके सामने ये बात आती है कि मुझे लिनक्स से एक्सेस करना है। तो आज की वीडियो का एजेंडा ये है कि हम लोग लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर देखेंगे कि हमारा एक क्लस्टर लगा हुआ है लेकिन हम क्लस्टर के मास्टर नोड पे डायरेक्टली लॉग इन करके काम नहीं करना चाहते, हम अपने पर्सनल लैपटॉप से करना चाहते हैं, लेकिन इस बार हमारे पर्सनल लैपटॉप में लिनक्स है, विंडो नहीं है। तो विंडो वाला तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करके दिखा दिया। तो जो भी बंदे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले इसका लास्ट वाला वीडियो वॉच कर लीजिए, विंडो वाला, तो फिर ये लिनक्स वाला ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, विंडो वाले में हमने किया था और अभी भी एक्सेस हो रहा है QCTL गेट नोट, मैंने हटाया नहीं है, सॉरी। इस दोबारा ओपन करता हूँ, QCTL गेट नोट्स देख सकते हैं। तो मैं लिनक्स मशीन कहाँ से लेके आऊँ, तो मैं लिनक्स मशीन यहीं से ले लेता हूँ। देखिए मेरे VMware के अंदर ही एक लिनक्स मशीन ले लेता हूँ, ऑलरेडी रेडी है, इसको सीधे से मैं ओपन कर लेता हूँ।
फिर टाइम ले रहा है, वीडियो को पॉज कर देता हूँ। चलो तो देखिए, ये लिनक्स की मशीन है और अभी अगर मैं यहाँ पर कुछ करने की कोशिश भी करूँ तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पर देखिए क्यूब सीटेल भी नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्यूब सीटेल इंस्टॉल करना होगा, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको भी ना पुट्टी में कनेक्ट कर लेता हूँ और इसका भी अभी जो नेटवर्क है ना वो नेट है, तो मैं इसको ब्रिज में कर लेता हूँ, राइट। तो सेटिंग में जाता हूँ, ये VM के ऊपर मशीन है, तो इधर मैं नेट पे गया, हैंग हो गया, ठीक हो गया। अब नेट पे गया, ब्रिज किया, ये ले आ रहा है, अभी आप आ जाएगा, आ गया। तो देखता हूँ भाई ब्रिज किया तो क्या IP मिला होगा। ठीक है, ये IP मिल गया, मैं इसको भी ना पुट्टी में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो पुट्टी ओपन करता हूँ, वन डॉट नाइन, परफेक्ट। चलो कलर कर लेते हैं इसको, ठीक हो गया। तो अभी देखिए क्यूब सीटीएल भी नहीं है, सबसे पहले तो क्यूब सीटीएल इंस्टॉल करिए। तो क्यूब सीटीएल इंस्टॉल करने के लिए फिर वही इंटरनेट में आइए, और यहां पे आ गया मैं, और यहां पर क्या लिखना है आपको, क्यूब सीटीएल इंस्टॉल ऑन CentOS, बस ये लो। तो ये यहां क्लिक कर ले, नीचे आ जाए, देखिए लिनक्स के लिए देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है। तो चुपचाप से आप ये लिंक को ऐसे कॉपी कर ले, ये ले। कॉपी करने के बाद आपको आपने क्या करना है, यहां पर सॉरी ये तो वर्कर है, अभी वाली मशीन कौन सी है मेरी, अभी वाली आई थिंक ये है, अभी पता लग जाएगा। क्यूब सीटीएल जिसमें इंस्टॉल नहीं है, ये दोनों का होस्ट नेम वही आ रहा है, इसका भी वही है, काफी ज्यादा हैंग भी कर रहा है। क्यूब सीटीएल ठीक है, यही वाला है, ठीक है। तो मैं इसका होस्ट नेम पहले चेंज कर लेता हूँ, दिक्कत ना हो हमें। होस्ट नेम CTL, सेट होस्ट नेम माई लैपटॉप कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया, बैस कर लेता हूँ, अपडेट हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्यूब सीटीएल इंस्टॉल करना है, तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था, डुप्लीकेट किया, ये लो, ठीक हो गया। डाउनलोड होने के बाद आगे क्या करना है बोल रहा है, देखिए एक्स की परमिशन दे दीजिएगा डाउनलोड होने के बाद। अभी तो डाउनलोड हो रहा है, इंटरनेट स्लो है थोड़ा मेरा, ठीक हो गया। तो कुछ नहीं करना, ये आप यहां से कॉपी कर लिए, एक्स की परमिशन देने के लिए बोल रहा है। तो देखिए डाउनलोड हो गया, ये आ गया, देखिए इसको एक्स की परमिशन दे दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बोलता है, MV कमांड से इसको मूव कर दो USR लोकल बिन के अंदर, ठीक है ना। तो ठीक है, MV कमांड से मैं इसको मूव कर दिया, परफेक्ट।
तो अब मैं यहां पर क्यूब सीटीएल चलने लगा, देखिए क्यूब सीटीएल कमांड वर्क करने लगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्लस्टर के अंदर मास्टर नोड के अंदर से ETC Kubernetes के अंदर एडमिन डॉट कॉन फाइल को कॉपी करके यहां लेके आना है। तो मेरे मास्टर नोड की जो आईपी है, मास्टर नोड की आईपी क्या है, मेरा ये मास्टर नोड है, देखें ये मेरा मास्टर नोड है। तो मेरे मास्टर नोड की आईपी क्या है, देखें ये मेरे मास्टर नोड की आईपी है ये, ठीक है। तो मैं SCP कमांड से कॉपी करके लाता हूं। कैसे कॉपी करेंगे, SCP मास्टर नोड में कॉपी करेंगे तो कौन से यूजर नेम से करेंगे, वो यूजर नेम डिफाइन कर दें आप। मैं रूट यूज कर रहा हूं, मास्टर नोड की आईपी दे दी मैंने यहां पर, और मैंने बोला ETC के अंदर Kubernetes फोल्डर के अंदर admin.conf फाइल चाहिए मुझे और करंट पाथ पे चाहिए। तो अब देखिए वहां से admin.conf फाइल उठा के लाएगा और मुझे दे देगा। मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया, आ गई, देखिए admin.conf आ गई है। अब आपको क्या करना है, आपको एक हिडन फोल्डर बनाना है .cube नाम से, और आप मूव कर दीजिए इस admin.conf फाइल को कहां, .cube के अंदर। तो यहां से admin.conf फाइल गायब हो गई और कहां चला गया, .cube के अंदर, ये लें। अब इसको रीनेम भी करना पड़ेगा आपको, एडमिन और किस नाम से, config, ये लें। अब परफेक्ट हो गया। तो अब मैं यहां से बैठ के कमांड चलाता हूं kubectl get nodes, तो देखें वर्क करने लगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा विंडोज और लिनक्स दोनों। तो अगर कोई कंपनी में Kubernetes इंजीनियर को अगर कंपनी लिनक्स बेस्ड लैपटॉप देती तो इस तरीके से करना है, और विंडोज बेस्ड लैपटॉप देती है उसके, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया किस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से आगे की जो भी ऑपरेशन वर्क होंगे वो मैं इसी तरीके से करूंगा, अपने लैपटॉप से ऑथेंटिकेट करके करूंगा। मैं क्लस्टर पे बार बार लॉगिन नहीं करूंगा आगे की जितनी भी लैब्स हम लोग करेंगे। तो काफ़ी इजी है दोस्तों, और यही कंपनी में होता ही है। तो आपसे अगर ऐसा टास्क भी दे दिया जाता है कि ये एक नया बंदा ज्वाइन किया कंपनी के अंदर, Kubernetes इंजीनियर है, और इसके लैपटॉप में आपको सेटिंग करना है कि अपने लैपटॉप से क्लस्टर को एक्सेस कर पाए, करके दीजिए, ऐसे टास्क दे दिया जाता है, और इंटरव्यू में भी ये चीज़ पूछा जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और ये जो भी मैं कर रहा हूँ इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जब क्लस्टर बना रहे थे, देखिए यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में क्लस्टर बनाने के बाद, जरा आप एक स्टेप नीचे आ जाएं तो देखिए साफ साफ ही कह रहा है यहां पर, देखिए कंट्रोलिंग योर क्लस्टर फ्रॉम मशीन अदर देन द कंट्रोल पैनल नोड, साफ साफ कह रहा है, देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन यहां पर अवेलेबल है, आप इनको पढ़ें तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।